गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट की लायबिलिटी कब लगती है, कितने परसेंट लगती है और कैसे उसको हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे करना है, कितना करना है और कब करना है, इन सारी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी लोगों का यह सवाल पूछा जाता है कि जीएसटी के अंदर अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट पे करना है तो अगर हम लोग गलत टैक्स पे करते हैं या फिर टैक्स हमने लेट से जमा किया तब कितने परसेंटेज पे होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने गलत क्लेम कर लिया है और आईटीसी को रिवर्स करते हैं उस टाइम पे कितना हम लोगों को इंटरेस्ट पे करना होगा, सारे रेट्स अलग अलग बाइफर्केटेड हैं एज पर नोटिफिकेशन। मैं आपको दिखाने वाला हूँ सेक्शन 50 जो बात करता है आउटपुट टैक्स पेमेंट के इंटरेस्ट के बारे में। साथ ही साथ गलत आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया या फिर आपने अपनी आउटपुट लायबिलिटी जो है वो गलत तरीके से रिड्यूस कर ली है, उन दोनों ही सिचुएशन के लिए इंटरेस्ट रेट कैसे काम करेंगे। सबसे पहला जो प्रोविजन है वो कहता है एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर बट फेल्स टू पे द टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ टू द गवर्नमेंट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड शैल फॉर द पीरियड फॉर विच द टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ रिमेन्स अनपेड पे ऑन हिज ओन इंटरेस्ट एट सच रेट not exceeding 18% as may be notified by the government on the recommendation of the GST Council। ये बताता है section 50 का subsection 1। इसमें जो बातें बताई गई हैं, उसमें ये बताया गया कि हर एक वो बंदा जो कि liable है GST के अंदर tax payment करने के लिए, लेकिन वो tax का payment या तो पूरी तरीके से फुल अमाउंट ऑफ टैक्स या फिर कुछ अमाउंट अनपेड रख देता है विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, जिस पीरियड में आपका पेमेंट हो जाना चाहिए था उस पेमेंट तक आपने अपना पेमेंट नहीं किया, मतलब शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स और नॉन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का जो अमाउंट है अगर वो कुछ रह जाता है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 50 सब सेक्शन 1। और ये जो इंटरेस्ट रेट होगा ये होगा मैक्सिमम 18%, 18% से ऊपर नहीं हो सकता, उससे नीचे कुछ भी हो सकता है एज पर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। सेक्शन 50 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है, ये कहता है द इंटरेस्ट अंडर सब सेक्शन 1, मतलब जो सब सेक्शन 2 के अंदर जो बातें बताई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ लगेंगी किस पे, वो लगेंगी उस पे जहां पर हमारा शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स या फिर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी बन के आती है। शैल बी कैलकुलेटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम द डे सक्सीडिंग द डे ऑन विच सच टैक्स वॉज ड्यू टू बी पेड। सपोज सितंबर 2019 की GSTR 3B हम लोगों को फाइल करनी है 20 अक्टूबर 2019 तक, तो जैसा आप सभी को पता है जब तक आप अपना टैक्स का पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक आपका GSTR 3B फाइल नहीं होता है। दैट मींस GSTR 3B जिस दिन फाइल होने का ड्यू है उसी दिन आपका टैक्स पेमेंट का भी ड्यू डेट रखा गया है। एज पर नोटिफिकेशन अगर आपने देखा हो तो उसमें ये बातें लिखी भी गई है कि आपको टैक्स पेमेंट जो है उसी दिन तक कर देना है जिस दिन आपका GSTR 3B का ड्यू डेट है। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो सितंबर 2019 का जो टैक्स लायबिलिटी है उसको पेमेंट करने का लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2019 है। तो अगर आप 20 अक्टूबर 2019 तक पेमेंट नहीं करते हैं या फिर कुछ शॉर्ट पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 20 अक्टूबर यानी कि 20 अक्टूबर का नॉन पेमेंट के बाद 21 अक्टूबर से काउंट किया जाएगा। वही चीजें सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 बताता है कि द इंटरेस्ट अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी कैलकुलेटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब फ्रॉम द डे सक्सीडिंग द डे ऑन विच सच टैक्स वॉज ड्यू टू बी पेड। Due to be paid on 20 October, succeeding the day होगा कौन सा 21 October, 21 October से आपको अपना interest calculate करना है at the rate of 18% which is a maximum rate और ये जो notified rate है वो भी हम लोग देखते हैं। ये हो गया हमारे पास section 50 का sub section 2। अब आते हैं सेक्शन 50 सब सेक्शन 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया a taxable person who makes an
अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। 51 बात करता था हम लोगों किस चीज की, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अब 53 बात करता है एक्सेस क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और अनड्यू और एक्सेस क्लेम, मतलब गलत क्लेम हमने किया इनपुट टैक्स क्रेडिट का अंडर सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 42, और अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अंडर सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 43, या फिर हमने अपनी आउटपुट लाइबिलिटी वो रिड्यूस कर लिया है और वो एक्सेस में रिड्यूस रिडक्शन हो चुका है, वो अनड्यूली आपका जो है रिडक्शन हो चुका है, उतना रिडक्शन नहीं होना चाहिए था। शैल पे इंटरेस्ट ऑन सच अनड्यू और एक्सेस क्लेम और ऑन सच अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन एज द केस मे बी एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 24%। अगर आपने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो उस केस में जब आप अपना आईटीसी रिवर्स करेंगे तो उसमें आपका 24% का इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर जितना गलत क्लेम किया हुआ है वो इंटरेस्ट पे करना होगा, वहां पर 18% नहीं लगेगा। मैक्सिमम 24% प्रेस्क्राइब्ड है एक्ट के अंदर, अगर नोटिफिकेशन 24 से कम करना चाहे तो कर सकता है, मैक्सिमम 24% रहेगा। तो ये तीन चीज है जहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट का रेट किसके लिए कितना है। अब यहां पर सवाल उठता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो कौन से वाले अमाउंट पे, इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए जीएसटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट डाला गया था सेक्शन 50 के अंदर, और वो प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39 except where such return is furnished after the commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period shall be levied on that portion of tax that is paid by debiting the electronic कैश लेजर। मतलब जिस पीरियड में आपको अपना रिटर्न फाइल करना था उस पीरियड के बाद अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका जो कैश लेजर से अमाउंट डेबिट होना है सिर्फ उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। लेकिन ये नियम कब नहीं लगेगा, जब आप अपनी रिटर्न सेक्शन 73 या सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग्स के रिजल्ट में आप फाइल करते हैं। तो यहां पे जो है चेंज किया गया था काफी बड़ा, जहां पर इंटरेस्ट अमाउंट को ग्रॉस लायबिलिटी पे नहीं करके नेट लायबिलिटी जो अमाउंट आपका कैश लेजर से डेबिट होगा उसके अंदर कैलकुलेशन की बात की गई थी। अब आते हैं कि कितना रेट हम लोगों को इसका लगने वाला है इंटरेस्ट के लिए। तो यहां पे जो नोटिफिकेशन है वो बताता है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 50 सबसेक्शन 1, वो क्या था, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 18%। 51 में लिखा गया था कि मैक्सिमम रेट 18% होगा और नोटिफाइड भी किया गया है 18% सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के लिए। सिमिलरली सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के अंदर जो रॉन्गली क्रेडिट क्लेम हो गया है उसके अंदर लिखा गया है मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 24% होगा, नोटिफाइड भी मैक्सिमम रेट को ही किया गया है। तो शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता दूं कि अगर आपका टैक्स कम जमा हुआ तो 18%, गलत आईटीसी ले लिया तो 24% का ब्याज आपको देना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरेस्ट ना पे करें, आपका जो टैक्स पेमेंट है वो बिल्कुल सही हो, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्कुल सही मैच हो जाए, तो उसके लिए आप अपनी जीएसटी फाइलिंग्स के लिए क्लियर टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज कर सकते हैं, जिसका साइन अप लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी का जो इंटरेस्ट है वो कब कैसे और कितने अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।